दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु हमारि फल दल गंजनम श्री राम श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। हम आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, दशरथ के प्राण कौशल्या सुत के गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जिनके बस नाम सहारे से ही भवतर जाते हैं। हम सब भवतर जाते हैं उन दुख हरता भगवान राम की महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं यही लखन का उर्मिला के संग में विवाह हुआ, भक्त जनों श्री भरत कमांडवी के संग ब्याह हुआ, शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति के संग विवाह हुआ, देवों ने पुष्प थे बरसाए और मंगल गान हुआ, जनक से लेकर विदा सभी फिर अवध में आते हैं, अवधपुरी के लोग झूम कर खुशी मनाते हैं, माताएं बहुओं को अपने गले लगाती हैं, वेद विधान से बहुओं की पूजा करवाती हैं, आसमान से देवता फूलों को बरसाते हैं, भरत शत्रुघ्न दोनों ही मामा के यहाँ गए, राम अवध में रहे लखन भी उनके संग रहे, गुरु वशिष्ठ से दशरथ एक दिन ये कहते हैं बात, मैं बूढ़ा हो गया राज्य को दे दो राम के हाथ, शुभ दिन देखो गुरुवर जिस दिन राज तिलक होगा, अवध की नगरी का अब से राजा तो राम होगा, ये खबर फैली अवध में खुशियाँ छाई हैं, महलों में पहुँची खबर माता हर्षाई है, गुरु वशिष्ठ फिर राम को कुछ बातें समझाते हैं। फिर मंत्र को मालूम हुआ के कई सिखाई है, अपने तीखे बाणों से मन में आग लगाई है, फिर कोप भवन में जा लेटी के कई बहाना कर, लगे मनाने दशरथ जी के कई को आकर,
दो वर मांगे थे रानी ने पहले भरत को राम, दूजे वर में राम को 14 बरस का हो बनवास। दशरथ बोले के कैसे ये जान हमारी लो, श्री राम को वन मत भेजो दौलत सारी लो। कह कई ना मानी दशरथ खूब उसे समझाते हैं, दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। पिता की सुनकर बात राम जी वहां पे थे आए, कैकई ने फिर राम को दोनों वचन थे सुनाए। रघुवर बोले पिता जीवन को जाने दो मुझको, जो माता की आज्ञा है पूरी करने दो मुझको। पता चला लोगों को बोले समय क्या आया है, अमृत दिखा विधाता ने फिर जहर पिलाया है। राम की माया राम ही जाने और न जाने कोई, राम की करनी कौन फिरावे जो चाहे सो होई। राम सिया और लखन तीनों ही वन को जाते हैं, क्या गए अवध से सूरज चला गया, माताओं की सांस पिता का जीवन चला गया। तमसा तट पर किया विश्राम आगे की ओर चले, संग आए थे उनसे रघुवर नाता तोड़ चले। रघुराई आगे गंगा के तट पर आते हैं, लखन सिया को गंगा जी की कथा सुनाते हैं। एक बात को बता दे खास लगा कर ध्यान सुनो, रघुराई का केवट से गंगा पे मिलना सुनो। प्रभु प्रेम के वश केवट से चरण धुलाते हैं, केवट को मालूम था घाट पे राम जी आएंगे। एक दिन दीनानाथ दया कर पार लगाएंगे, केवट ने धोकर चरण फिर नाव चलाई है। मंद मंद आवाज में राम की लीला गाई है, हे रघुराई केवट भक्त को तार दिया तुमने, अटकी नाव थी बीच में उसको पार किया तुमने। राम से केवट ने निर्मल भक्ति का वर पाया, हे दीन दयाल है दीनानाथ अद्भुत तेरी माया। राम पतित इन चरणों में पावन हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
रघुराई फिर शिव गणेश का ध्यान लगाते हैं, गंगा को करके नमन आगे बढ़ जाते हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंच गए श्री राम, ऋषिवर बोले धन्य हुआ घर आए चारों धाम। ऋषिवर बोले राम आज मेरी साधना सफल हुई, पाके तुम्हारे दर्शन तो आराधना सफल हुई। राम लखन सिया जा पहुँचे यमुना नदी के पार, राम प्रभु के दर्शन पाने आई भीड़ अपार। करके प्रभु के दर्श स्वयं को धन्य बताते हैं, जिस गांव नगर से राम लखन सिया होकर जाते हैं, दर्शन पाने को नगर निवासी दौड़ के आते हैं। फिर श्री राम प्रभु वाल्मीकि के आश्रम आए हैं, ये देख के ऋषिवर मन ही मन भक्तों हर्षाए हैं। फिर श्री राम जी वाल्मीकि से कहते हैं ये बात, हम कहाँ बनाए कुटिया अपनी हमें बताओ ना। ऋषिवर ने करके प्रणाम कहा, प्रभु कहाँ नहीं है आप, हर जगह समाए हो प्रभु सारे जग के तुम हो ना। भक्त तुम्हें अपने हृदय में सदा बसाते हैं, बारे में ऋषिवर बतलाते हैं। सीता लखन को ले रघुवर पर्वत पे जाते हैं, भीलों का धर रूप देवता वहाँ पे आने लगे, राम प्रभु के लिए वहाँ पर कुटिया बनाने लगे। देवों ने मिलकर प्यार से कुटी बनाई थी, भील रूप में देवों की करी राम विदाई थी। सिया लखन के संग राम जी कुटिया में रहने लगे, चारों तरफ सुखद मन भावन झरने बहने लगे। देवगण सभी जगत पिता को शीश नवाते हैं, सबको याद सताती है। मात पिता को भक्त जनों दिन रात रुलाती है। राम के बिन राजा दशरथ का मुश्किल था जीना, दुख के मारे फटा जा रहा था उनका सीना। राम राम कहते राजा ने जीवन त्याग दिया, राम प्रभु से दशरथ ने सच्चा अनुराग किया।
भरत बुलाए गए उन्हें फिर शोक हुआ भारी। सुनकर सारी बात भरत ने माता धिक्कारी। राम को करके याद भरत जी रोते जाते हैं। गुरु वशिष्ठ भरत से बोले राज संभालो तुम। राज काज का कह कई नंदन भार उठा लो तुम। रो रो कर बोले भरत मुझको नहीं लेना राज। मुझे सदा ही प्रभु चरणों से करना है बस का। भरत जी बोले रघुवर को मुझे वापस लाना है। उन्हीं को आकर अवधपुरी का राज चलाना है। चित्रकूट में गए भरत और धीरज खोने लगे। भैया वापस चलो भरत ये कहकर रोने लगे। राम प्रभु फिर भरत को प्यार से ये समझाते हैं। रघुवर बोले भरत से रघुकुल रीत चली आई। प्राण चले जाए भैया पर वचन नहीं जाए। माता की इच्छा वचन पिता का पूर्ण करना है। अवधपुरी का राज भरत तुम ही को चलाना है। चरण खड़ाऊ लेकर भरत जी वापस आते हैं। राज सिंहासन पर रख कर फिर राज चलाते हैं। प्रेम देख कर देवों ने भी शीश झुकाए हैं। राम के संग में भरत के भी सभी ने गुण गाए हैं। सुनो तुम्हें एक और प्रभु की लीला सुनाते हैं। कौआ बनकर इंद्र का सुत था चित्रकूट आया। रघुवर की शक्ति देखने का मन में विचार आया। सीता के चरणों में अपनी चोंच को थी मारी। इससे माता सीता को भक्तों दर्द हुआ भारी। राम प्रभु ने देखा रक्त धनुष पे चढ़ाया बाण। कौआ वायु वेग से भागा बचा के अपने प्राण। कौए ने मृत्यु को देखा दौड़ लगाई है। जान बूझ कर खुद ही अपनी मौत बुलाई है। उसे मारने रघुवर भक्तों बाण चलाते हैं।
तीनों लोकों में उसे किसी ने पास न बिठलाया। चारों तरफ देखा मृत्यु को कौआ घबराया। नारद जी ने कहा राम जी तो कृपालु हैं, तू उन्हीं की शरण में वापस जा, वो बड़े दयालु हैं। फिर कौआ लौट के राम जी के चरणों में आता है, क्षमा मांगता है रघुवर से रोता जाता है। रघुवर ने उस कौवे को दे जीवन दान दिया, एक नेत्र को फोड़ के रघुवर ने कल्याण किया। जगत पिता जगदीश तुम्हें हम शीश नवाते हैं।